सब्सक्राइब कीजिए लैंग्वेज ओशियन चैनल को और बेल आइकन दबाइए इंग्लिश के ऐसे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। बहुत बड़ा या फिर व्यापक, इसको बोलेंगे एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव, बहुत बड़ा या व्यापक। तंग करना, तंग करने को बोलते हैं वैक्स। वैक्स मतलब तंग करना। फिजूल खर्च, फिजूल खर्च को इंग्लिश में बोलते हैं लेविस। लेविस मतलब फिजूल खर्च। हथियार, वेपन, वेपन मतलब हथियार। अनुमान लगाना, एस्टिमेट, एस्टिमेट मतलब अनुमान लगाना। नेक्स्ट इज चिंता, चिंता को इंग्लिश में बोलते हैं एंजाइटी। एंजाइटी मतलब चिंता। संपूर्ण, ओवरऑल, ओवरऑल मतलब संपूर्ण। लक्ष्य, लक्ष्य को बोल सकते हैं हम मिशन या फिर टारगेट या फिर एम, इन तीनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। क्षतिग्रस्त, डैमेज्ड, डैमेज्ड। नेक्स्ट हैं सफल होना, सक्सीड, सक्सीड। दोस्तों सफल होना को बोलते हैं सक्सीड और सफलता को बोलते हैं सक्सेस। नेक्स्ट इज दबाव, दबाव को बोलते हैं प्रेशर, प्रेशर। जल्दी या झटपट, इसको बोलते हैं क्विक, क्विक। झपटना, झपटना मतलब किसी के ऊपर अटैक करना अचानक से, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे पाउंस। पाउंस मतलब झपटना, एकदम से अटैक करना। बेतुका, बेतुका को बोलते हैं अपसर्ड, अपसर्ड मतलब बेतुका। मुकाबला करना, मुकाबला करना को इंग्लिश में बोलते हैं कंपीट। कंपीट मतलब मुकाबला करना। टुकड़ा, टुकड़े को बोलते हैं पीस। पीस मतलब टुकड़ा। कम या फिर छोटा, तो कम को बोलते हैं शॉर्ट, शॉर्ट। ख्वाब, ख्वाब को बोलते हैं ड्रीम, ड्रीम। अजीब, अजीब को इंग्लिश में बोलते हैं वियर्ड, वियर्ड। जिज्ञासु मतलब क्यूरियस, क्यूरियस मतलब जिज्ञासु। जमानत, जमानत को बोलते हैं बैल, बैल जमानत। शुक्रगुजार, थैंकफुल, थैंकफुल। हमेशा के लिए फॉर एवर, फॉर एवर। नेक्स्ट इज इकट्ठा करना, इकट्ठे करने को बोलते हैं गैदर, गैदर मतलब इकट्ठा करना। इसी वक्त मतलब राइट नाउ, राइट नाउ मतलब इसी वक्त। धोखा देना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं चीट, चीट मतलब धोखा देना। नेक्स्ट इज बहस करना, दोस्तों बहस करने को इंग्लिश में बोलते हैं डिबेट या फिर आर्ग्यूमेंट। दोस्तों डिबेट मतलब कि एक पॉजिटिव और एक सही वे में बहस करना, और आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है नेगेटिव बहस करना जिसमें गाली गलौज भी हो जाती है और एक दूसरे पर आरोप भी लगते हैं, तो उसमें आर्ग्यूमेंट का यूज किया जाता है। और एक अगर सही बहस हो रही है, सामाजिक बहस हो रही है, तो उसको बोलते हैं डिबेट। प्रार्थना करना, प्रे, प्रे मतलब प्रार्थना करना। घूरना, घूरने को इंग्लिश में बोलते हैं स्टेयर, स्टेयर मतलब घूरना। सीधा मतलब स्ट्रेट, स्ट्रेट। धैर्य मतलब कि पेशेंस, पेशेंस। नेक्स्ट इज महंगा, इंग्लिश में बोलेंगे एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव।
नेक्स्ट इज छिपना। छिपने को वैसे तो हाइड भी बोल सकते हैं और हम एस्केप भी बोल सकते हैं। एस्केप मतलब छिपना, हाइड मतलब छिपना या छिपाना, दोनों होता है इसका मतलब। नेक्स्ट इज स्वार्थी। स्वार्थी को इंग्लिश में बोलते हैं सेल्फिश। सेल्फिश मतलब स्वार्थी। नेक्स्ट इज बर्बाद। बर्बाद को इंग्लिश में बोलते हैं स्पॉइल। स्पॉइल मतलब बर्बाद। नेक्स्ट इज अधिकार। अधिकार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। नेक्स्ट वर्ड इज मूर्ख या फिर ना समझ। सिल्ली। सिल्ली मतलब मूर्ख या ना समझ। नेक्स्ट इज भाग लेना, मतलब किसी प्रोग्राम में, इवेंट में भाग लेना, वहाँ जाना, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं पार्टिसिपेट। पार्टिसिपेट मतलब भाग लेना। नेक्स्ट इज याद रखना, इंग्लिश में बोलेंगे रिमेंबर। रिमेंबर याद रखना। पहले से ही, इंग्लिश में बोलेंगे ऑलरेडी। ऑलरेडी पहले से ही। खबरदार बीवेयर। बीवेयर मतलब खबरदार। आकर्षक अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव मतलब आकर्षक। ध्यान दिलाना रिमाइंड। रिमाइंड मतलब ध्यान दिलाना। सूचित करना मतलब कि इन्फॉर्म। इन्फॉर्म मतलब सूचित करना। नेक्स्ट इज चलाना। दोस्तों अगर टू व्हीलर हैं, बाइक हैं, तो बोलेंगे राइड। राइड का मतलब चलाना। और अगर फोर व्हीलर हैं तो हम बोलेंगे ड्राइव। ड्राइव मतलब चलाना। अनुमति देना अलाउ। अलाउ मतलब अनुमति देना। काम चोर लेजी। लेजी मतलब काम चोर आलसी। बचत। बचत को बोलते हैं सेविंग्स। सेविंग्स मतलब बचत। खुश होना ग्लैड। ग्लैड मतलब खुश होना। कार्यक्रम। कार्यक्रम को बोलते हैं इवेंट। इवेंट इवेंट मतलब कार्यक्रम। अनुचित। अनुचित को बोलते हैं अनफेयर। अनफेयर। सिसकना। सिसकना का मतलब होता है रोना। सिसक सिसक कर रोना, इसको बोलते हैं सोब। सोब मतलब सिसक सिसक कर रोना या सिसकना। नेक्स्ट इज साहसी, इसको बोलेंगे डेरिंग। डेरिंग मतलब साहसी। रातों रात। रातों रात मतलब ओवरनाइट। ओवरनाइट मतलब रातों रात। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक और एक कमेंट कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।